ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर आप मुझे कमेंट्स में बात पूछते हैं कि हमारी राशि के जातकों का गुरु मंत्र क्या है, आखिरकार गुरु मंत्र से फायदे क्या है और आपका गुरु मंत्र कौन सा है। अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कुंडली में कितने सारे खराब और नेगेटिव दोष हैं उससे आप बाहर आ सकते हो सिर्फ गुरु मंत्र के जप से। दूसरी बात हो कि जीवन में जो एक दिशा नहीं मिल पा रही है, जीवन में कई सारी परेशानियों के साथ हम जूझ रहे हैं, इनसे भी छुटकारा गुरु मंत्र के जप से मिलता है। तीसरी बात होती है कि गुरु मंत्र हमें स्वास्थ्य लाभ दिलाता है, गुरु मंत्र हमें सकारात्मक रखता है और गुरु मंत्र ऐसी कई सारी बाधाओं से हमें बचाता है जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति का गुरु मंत्र होना जरूरी है, लेकिन आपका गुरु मंत्र क्या है, हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आपने जाना कि गुरु मंत्र क्यों जरूरी है। दोस्तों, अब बात करें कि आपका गुरु मंत्र क्या है, कैसे है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो नाम आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखने के साथ वीडियो को लाइक करना है, लाइक और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कभी भी गुरु जो बनाए वो एक सरल और साधारण व्यक्ति को बनाए, न कि किसी भी प्रकार से आडंबर वाले व्यक्ति को बनाए। अब मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल पा रहा है, सरल और सहज व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, कोई अच्छा गुरुजन हो आपके इलाके में, उन्हें गुरु बनाएं, तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि गुरु का आपको मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जाकर अपने दिल की बात उन्हें कह सकें। लेकिन ठीक है, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो दूसरा तरीका है, आप गुरु जो है अपना शिव जी को मान लें और गुरु मंत्र जो है ओम नमः शिवाय ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें, नमः शिवाय ले लें, ओम नमः शिवाय ले लें और कंटिन्यू जैसा हमें गुरु को प्रति समर्पण है ऐसा शिव जी के प्रति अपना समर्पण रखें और उस गुरु मंत्र का सतत जाप करें, आपको बहुत फायदा होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और